पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है और इस संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड सरकार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। ममता बनर्जी ने झारखंड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर पश्चिम बंगाल में पानी छोड़ने का आरोप लगाया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा और मेदिनीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड से छोड़े गए पानी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि डीवीसी झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए पानी छोड़ रहा है, जिससे बंगाल में हालत बिगड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने डीवीसी पर ट्रेंचिंग तलछट निकालने की प्रक्रिया न करने और केंद्र सरकार पर इस लापरवाही के लिए आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मना करने के बावजूद डीवीसी ने 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा, जो पश्चिम बंगाल के लिए घातक साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बाढ़ केवल बारिश की वजह से नहीं बल्कि झारखंड और बिहार के छोड़े गए पानी के कारण आई है। उन्होंने इस एक मानव निर्मित आपदा कहा और डीवीसी के साथ सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 दिनों के लिए बंद रहेगी ताकि पानी का बहाव कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाना राज्य सरकार के अधिकतर क्षेत्र में नहीं बल्कि यह केंद्र के नियंत्रण में है। बनर्जी ने दावा किया कि डीवीसी के बांध की क्षमता 100% से घटकर 36% आ गई है, जो केंद्र सरकार की लापरवाही का परिणाम है। इस कारण पश्चिम बंगाल हर साल बाढ़ का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो अगले 3 से 4 दिनों में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने की भी बात कही और बताया कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो।